Assalamualaikum, hello foodies, a very warm welcome to all foodies. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर पिज्जा की रेसिपी। जी हाँ, डिलीशियस पनीर पिज्जा रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ क्या किया कि पनीर को स्लाइसिस में कट कर लिया है। ये कैप्सिकम लिया है हमने, कैप्सिकम को भी स्लाइसेस में कट कर लिया है, आपको वीडियो में नजर आ रहा है। इसी तरह से आपने जो शिमला मिर्च है यानी आपका कैप्सिकम है उसको स्लाइसेस में कट कर लेना है, ठीक है जी। अब बारी है अनियन की, तो अनियन को भी आप इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लीजिए। टमाटर जो है आसमान की सैर कर कर जमीन पर आ गए थे, तो बस ये टमाटर भी मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। टमाटर के जो बीज है उनको मैंने अलग कर दिया है और इसको भी स्लाइसेस में कट कर लिया है। और आप चाहें तो और भी वेजेस ऐड कर सकते हैं, जो वेजेस आपके पास अवेलेबल हो घर में। तो वेजेस की कटिंग के बाद मैंने यहाँ क्या किया था, ओवन नहीं है, पिज्जा जो है ये हम विदाउट ओवन बना रहे हैं, तो देसी जुगाड़ कर रहे हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में सॉल्ट डालकर इसको ऐसे स्पून की मदद से स्प्रेड कर दिया था, फैला दिया था। और एक कटोरी सेट कर कढ़ाई को एक प्लेट से कवर कर इसको प्री हीट करने के लिए रख दिया था। लगभग 10 से 12 मिनट आप इसको प्री हीट करने के लिए रख देंगे। अब चलें जी, अब पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, ओरिगेनो डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ी सी टर्मरिक ऐड की है और इन सबको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करूंगी, ऑयल वेजिटेबल ऑयल यूज कर लें आप। ये जी मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और डाला है यहाँ पर और वेजिटेबल ऑयल डालकर इन सबको अच्छे से मैरिनेट करने के लिए आप 15 से 20 मिनट के लिए रख दें, ठीक है। यहाँ मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो जी मैंने इस पनीर को मैरिनेट करके लगभग 15 से 20 मिनट के लिए साइड में मैरिनेशन के लिए रख दिया था। 15 से 20 मिनट के बाद अब पैन में मैंने यहाँ थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और जो पनीर है हमने मैरिनेट करके रखा था उसको हम क्या करेंगे, पैन में थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। बहुत ज्यादा हमें ये पकाना नहीं है, बस हल्का सा सॉटे करना है। यकीन मानिए इस तरह से पिज्जा जो है आपका बहुत टेस्टी और यम्मी बनता है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना भी ना भूलें। चलें जी, अब बारी थी आपकी जो कैप्सिकम और जो अनियन हमने स्लाइसेस में कट किए थे उनमें भी हम थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इनको भी सॉटे कर लेंगे। बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा सॉटे करना है। इस तरह से सॉटे करके जब हम अपना जो पिज्जा है उस पर टॉपिंग करते हैं इन वेजीज की, तो एक अलग ही फ्लेवर निकल कर आता है। कुछ अनियन मैंने बाद में ऐड की थी। तो अब बारी है पिज्जा की टॉपिंग की। तो यहाँ जो पिज्जा का बेस है ये मैंने मार्केट से रेडीमेड लिया है। यहाँ मैं पिज्जा सॉस ऐड कर रही हूँ और इसको नाइफ की मदद से प्रॉपरली स्प्रेड कर दूंगी चारों तरफ। और आप चाहें तो इसमें टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने मेयोनीज ऐड किया है, मेयोनीज को भी हम स्प्रेड कर देंगे जो पिज्जा का बेस है उस पर। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक बाउल में जो आपका केचप है और ये मेयोनीज है और आपका जो है पिज्जा सॉस है उसको अच्छे से मिक्स करके बाद में भी आप स्प्रेड कर सकते हैं। बट मैंने सारी चीजें बेस पर ही डालकर स्प्रेड कर दिए। अब जो वेजीज हमने सॉटे की थी, अब बारी थी उनको ऐड करने की यानी उनको टॉपिंग करने की। तो यहाँ जो हमने कैप्सिकम सॉटे किया था पिज्जा का जो बेस है हम उस पर ऐड कर देंगे। अनियन जो सॉटे की थी उनको भी हम पिज्जा के बेस पर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और टमाटर को देखो मैंने सॉटे नहीं किया था, टमाटर को सॉटे करने की कोई नीड नहीं है, आप उसको बस ऐसे ही ऐड कर दें। वेजीज आप जितनी खाना पसंद करते हैं उतनी ऐड करें और बहुत ज्यादा भी ना डालें। और यहाँ मेरे पास जो है कॉर्न थे, स्वीट कॉर्न बॉईल करके मैंने रखे थे, वो भी मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं जी। अब बारी थी पनीर की। पनीर जो हमने सॉटे करके साइड में रखा था, पनीर को भी हम ऐड कर देंगे पिज्जा पर, ठीक है। पनीर भी अब यहाँ हमने ऐड कर दिया है, जितना आप खाना पसंद करते हैं उतना ऐड करें। ये एक्चुअली मैं यहाँ जो स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ उनको सिर्फ दो ही ऐड कर रही हूँ,
आप स्लाइसेस को टुकड़ों में कट करके पिज्जा के चारों तरफ भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मेरे हस्बैंड को स्लाइसेस जो ये है चीज खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बीच का पार्ट मैं खाने वाली हूँ। आप जो चीज है उसको कट कर चारों तरफ ऐड करें। अब हम चेक कर लेंगे, जो हमारी कढ़ाई हमने प्री हीट करने के लिए रखी थी वो भी गर्म हो चुकी है। तो जो पिज्जा है वो हमने जो प्लेट है उसको ऑयल से ग्रीस करके पिज्जा को उसमें रख दिया था। ग्रीस इसलिए किया ताकि हमारा पिज्जा आसानी से हट जाए जब हम इसको निकालें। अब इसको कढ़ाई में रखकर आप प्लेट से ढक दें। बहुत ही बेहतरीन देसी जुगाड़ है ये। देखिए हमारा पिज्जा 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो गया और यकीन माने आप ये बहुत ही डिलीशियस बना था। आपका जो पिज्जा कटर है उसकी मदद से आप इसको कट कर लें, कट कर खाएं, इंजॉय करें फैमिली के साथ। ये देसी जुगाड़ उन लोगों के लिए जिनके पास घर में ओवन नहीं होता और वो अवॉइड करते हैं पिज्जा बनाना, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जुगाड़ करके भी ये चीजें बना सकते हैं और आप यकीन माने इस कोई फर्क ही नहीं था इसमें और जो हम ओवन में या फिर हम तंदूर में जो पिज्जा बनाते हैं कोई फर्क नहीं था, सेम वही स्वाद था। तो बस मैंने इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। चलें जी, स्लाइसेस में कट कर मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये खाने में कैसा था, कैसा बना था। देख सकते हैं आप दिखने में कितना कलरफुल और खूबसूरत लग रहा है ये। तो बस इसको केचप और मेयोनीज के साथ खाएं, इंजॉय करें, खाएं खिलाएं, खुश रहें, दुआओं में याद रखें और रेसिपीज के लिए हमें फॉलो करना